गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कल हमने चैप्टर का रिवीजन किया था, इसकी थ्योरी और समरी देखी थी। आज हम चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बुक में से सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स का। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। कल मैंने आपको पढ़ाया था ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की, वो कौन सी होती है? लीवर। वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। इसमें क्या आएगा? डाइजेस्टिव जूसेस। देन डी में आएगा, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली, जिनको क्या बोलते हैं? विली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा डाइजेस्ट करता है फूड को कहाँ पे? फूड वैक्यूल में। अमीबा कहाँ पे डाइजेस्ट करता है फूड को? फूड वैक्यूल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमक। डाइजेशन स्टार्च का कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्टोमक में होता है, फॉल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टंग हेल्प्स इन मिक्स्ड फूड एंड सलाइवा। यस, टंग जो होती है फूड को मिक्स भी करती है और उसमें सलाइवा मिक्स करती है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है। ये ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ट्रू। देन उसके बाद है, द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल। यस, ये है ट्रू। उसके बाद आएगा, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्लाउड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। यस, मैंने कल बताया था कि रूमिनेंट्स के अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है, उसके बाद कुछ देर बाद वो फूड वापस वो लोग मुंह में लेते हैं, उसको चबाने लग जाते हैं और ये उनको एनर्जी देता है। ये क्या? ट्रू। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, टिक द मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, उसमें आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड मेनली इन स्टोमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड में अब्सॉर्ब होता है मेनली कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड मेनली इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से हमें मैच करना है। फूड कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और उसके बाद कॉलम सेकेंड में हमें देखना है, हमें दिए हुए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, शुगर एंड अमीनो एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं अपने सबसे पहले शुगर्स और स्टार्च, तो इसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के सामने शुगर लिखेंगे। देन प्रोटीन, प्रोटीन कौन होता है? प्रोटीन होती है अमीनो एसिड जो होते हैं, बहुत सारे मिलके प्रोटीन का प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड। उसके बाद फैट, फैट क्या होता है? फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, तो उसके सामने लिखना है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विली जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में विली लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है? विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फंक्शन विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड के सर्फेस एरिया की अब्सॉर्प्शन के लिए विली क्या करती है? सर्फेस इंक्रीज करती है, तो इसका मेन फंक्शन होता है ये। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विली क्या होता है? विली होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम होता है फूड के अब्सॉर्प्शन के लिए, फूड के अब्सॉर्प्शन के लिए, डाइजेस्टेड फूड के अब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड
does it help to digest? Which component of the food does the which component of the food each second does it help to digest? A bile juice होता है, जो bile juice produced by the liver and stored in gallbladder. Bile juice का आंसर होता है liver से produced होता है, store होता है gallbladder में. It helps in digestion of prevent in food. It helps. ये क्या करता है? Help करता है हमारी digestion of digestion में. It helps in digestion of present in food. ये हमारी help करता है digestion में और present. ये कौन सा food में present होता है? Fat क्या होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है, फैट जो होता है वो टूट जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 7. नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन. और रीजन भी देना है इसका, गिव द रीजन आल्सो. इसका आंसर है सेल्युलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट बट नॉट बाय द ह्यूमन. बिकॉज रुमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर रूमेन. सर्टेन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूमेन विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेल्युलोज. जो हमारे गाय काऊ बफेलो ये एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं. इनके अंदर क्या होते हैं? रूमेन होती है. रूमेन में क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है? सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करती है, जो कि रूमेंट्स में एब्सेंट होते हैं. इसलिए हम लोग क्या ये घास वगैरह ये सब जो ये लोग खाते हैं जहाँ काय बफेलो रूमिनेंट्स वो नहीं खा सकते, बिकॉज हमारे अंदर वो प्रेजेंट नहीं है. और इनके अंदर क्या है? प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई ये लोग सेल्यूलोज का पाचन इजीली कर लेते हैं और हम लोग नहीं कर पाते. इसीलिए रूमिनेंट्स जो होते हैं ये सिर्फ ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो सेल्यूलोज होता है इसका, ये जो सेल्यूलोज ओनली कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कौन डाइजेस्ट कर पाता है? ओनली रूमिनेंट कर पाते हैं. जो लिविंग थिंग्स होते हैं लाइक वुमेन्स, वुमेन्स जो होते हैं इसका नहीं कर पाते, बिकॉज उनके अंदर क्या रूमेन नहीं होती. और जो कि ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है कि रूमिनेंट्स के अंदर ही रूमेन होती है. उसी के अंदर क्या होता है? कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वुमेन्स के अंदर अपसेट होती है. अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, कुछ भी ऐसा खाएंगे जिससे जिसके अंदर ग्लूकोज हो या ग्लूकोज पीके तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. क्यों मिलती है? ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर विच रिलीजेस CO2, H2 एंड एनर्जी. ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो क्या करती है? रिलीज करती है CO2, H2 एंड एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. सिंस ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज इजीली अब्सॉर्ब बाय द टू गिव इंस्टेंट एनर्जी. ग्लूकोज डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन एंड थस गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. तो इसलिए क्या होता है? ग्लूकोज में क्या होता है? कोई एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर नहीं होता इसके डाइजेशन के लिए. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर विच रिलीजेस CO2, H2 एंड एनर्जी. ग्लूकोज क्या होता है? सिंपलेस्ट एक शुगर होती है जो क्या करती है? CO2, H2 एंड एनर्जी रिलीज करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. सिंस ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ग्लूकोज क्या सिंपल फॉर्म होती है? इट इज इजीली अब्सॉर्ब बाय, ये क्या होता है? इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है और क्या करता है? आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है. ग्लूकोज डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन एंड ग्लूकोज को डाइजेशन की नीड नहीं होती, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी देता है. इसीलिए क्या होता है? इसकी डाइजेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता. तो सिंपली ये है कि ग्लूकोज जो शुगर होती है एक तरीके की, जो क्या करती है? CO2, H2 एनर्जी रिलीज करती है. और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म होती है, इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है टू गिव द इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए. इसलिए ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही कोई एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसीलिए ये हमें क्या इंस्टेंट एनर्जी देता है. तो इसका आंसर ये
और यहाँ तक के हमें क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं।